हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं फोर्स का, जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था फोर्स के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में देखा कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में किस तरीके से फोर्स एक्ट कर रहे थे, और उसके एसआई यूनिट के बारे में भी हम लोगों ने समझा। तो जब मैंने कल फोर्स का डेफिनेशन बताया था, जब हमें पता नहीं था कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, तब उसका डेफिनेशन हम लोगों ने समझा था पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? फोर्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? फोर्स। लेकिन अब हमें जो कि इफेक्ट्स उनका पता है कि फोर्स का, कि वो मोशन प्रोड्यूस करते हैं या टेंड टू प्रोड्यूस मोशन करते हैं, मतलब उसमें वर्क डन हमारा क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, यानी कि नहीं हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स का डेफिनेशन है ना, उसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं, उसकी थोड़ी सी उस जो शॉर्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। कैसे, वो देखिएगा। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, ए फोर्स इज ए पुश और ए पुल, और ए पुल विच प्रोड्यूसेस या स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप मोशन। समझे मेरे बात? मतलब एक फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो पुश कर, अगर पुश और पुलिंग हो रहा है जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, उसमें मोशन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, या उसे स्टॉप कर पा रहे हैं, या उसे टेंड टू स्टॉप कर पा रहे हैं, तब उसे हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स बोल रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर फोर्स जो लग रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ पूरी तरीके से स्टॉप ही हो जाए या रुक ही जाए। हो सकता है वो चीज़ें रुके ना, वो स्लो डाउन हो जाए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो फोर्स लगाया गया था रोकने के लिए, तो इसमें तो वर्क डन तो हमारा नहीं हुआ। तो वर्क डन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, फोर्स नहीं लगा क्या? फोर्स तो लगा। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि अगर दीवार पे हम क्या करेंगे, अपने हाथ से धक्का देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि दीवार क्या होगा, पूरी तरीके से पुश्ड अप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दीवार पुश्ड अप नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, फोर्स नहीं लगा क्या? फोर्स तो लगा, लेकिन वहां पे वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, तो आज बेसिकली जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक फोर्स के बारे में, या हम बोल सकते हैं मोर देन अनदर फोर्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं? पहले एक बात समझाते हैं। यहाँ पे कोई एक बॉक्स है, ठीक है, मान लो ये बॉक्स ए, ठीक है, और इधर से एक आदमी इसको पुश कर रहा है और इधर से भी एक आदमी इसको पुश कर रहा है। तो इस केस में ये जो बॉक्स का जो मोशन होगा या जो मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट होगा, वो क्या होगा आपका? जीरो। क्या होगा? जीरो। मतलब इधर से भी सेम कैपेसिटी से, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेम कैपेसिटी से इसको पुल किया जा रहा है, ठीक है, पुल नहीं, सॉरी, पुश किया जा रहा है, और इधर से भी सेम कैपेसिटी से क्या किया जा रहा है? पुश किया जा रहा है। तो जब दोनों में कैपेसिटी बराबर होगी तो वहां पे वो जो ऑब्जेक्ट का नेट मूवमेंट जो होगा ना, वो बिल्कुल क्या होगा? जीरो। मतलब वो मूव बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस तरीके के हम लोग फोर्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड, मतलब पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो, मतलब जहां पे मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स को, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, द टू फोर्सेस, या एक बार मैं बोल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, द टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। मतलब दो फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसके वजह से उनका नेट फोर्स वहां पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो एक बार हम लिख देते हैं ताकि आप लोग याद भी कर लो उसको और आंसर क्वेश्चन भी कर लो। ठीक है, द टू फोर्स बैलेंस ईच अदर एंड द नेट फोर्स इज, क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स इज जीरो। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे उसे? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अब देखेंगे इसका अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो, अभी मैंने एक बोलेगा, एक बॉक्स को अगर हम पुल करेंगे दोनों तरफ से, ठीक है, सेम कैपेसिटी से, तो उसका नेट मूवमेंट क्या होगा या नेट फोर्स उस पर जो लगेगा वो क्या हो जाएगा?
जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल, या पहले हम समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉक्स ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे क्या करते हैं कि इस तरफ से एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एक फोर्स लगा रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लो कि इस तरफ से भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ए जो यहाँ मान लो ये जो व्यक्ति है ना, ये कम कैपेसिटी से फोर्स लगा रहा है, और ये जो व्यक्ति है वो ज़्यादा कैपेसिटी से फोर्स लगा रहा है, यानी कि इसको लार्जर बोल दो और इसको क्या बोल दो, स्मॉलर, क्या बोल दो, स्मॉलर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब लार्जर फोर्स लगेगा तो बॉक्स जनरली मूवमेंट किस तरफ करेगा, इस तरफ, मतलब फोर्स उसका एक्ट करेगा वह स्ट्रॉन्गर से लोअर साइड की तरफ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके के फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स एंड इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब जब क्या होगा, फोर्स जो लगेगा लार्जर डायरेक्शन से क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और ये स्मॉलर डायरेक्शन की तरफ बोल सकते हैं ना मूव कर जाएगा, वो जो नेट मूवमेंट फोर्स जो लगेगा स्मॉलर डायरेक्शन की तरफ लगने से, वो जो बॉक्स होगा वो लिफ्ट कर जाएगा या मूव कर जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग आज जो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। तो आज का वीडियो आपका उतना लंबा नहीं बनाएंगे, 20 मिनट का अप्रॉक्स जाएगा, दो तीन उसके चार पांच फोर्स होते हैं जिसमें हम लोग एक दो फोर्स के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग एक दे देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को समझ में भी आ जाए। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो इसमें अगर नंबर वन अगर हम देना चाहें कौन कौन सा होता है फोर्स के टाइप्स में, तो वहाँ पे ये भी हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा नंबर वन हमारा आता है, कौन सा, मस्कुलर फोर्स, नंबर सेकंड आता है इंपैक्ट फोर्स, नंबर थर्ड आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं उसको, नंबर फोर आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलिए इसको, नंबर फिफ्थ आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ फोर्स का टाइप्स के बारे में देखिए, और भी होते हैं वो भी हम लोग मेंशन आउट करते हैं। नंबर सिक्स देखते हैं हम लोग, सिक्स में आता है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स, सेवन में आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये सब फोर्स के बारे में हम लोग जनरली समझेंगे और पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ फोर्स जनरली होते हैं, टोटल सात तरीके के, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला मैंने जैसा कि आपको जिक्र किया, मस्कुलर फोर्स होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो फोर्स मसल्स के जरिए अप्लाइड होता है उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं, डिटेल से समझते हैं, ठीक है। और सेकेंड आता है हमारा इम्पैक्ट फोर्स, क्या होता है आपका,
इम्पैक्ट फोर्स मतलब इस पे क्या होता है, इसमें कोई कोई दो ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता मतलब एक ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट देता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो ये फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये हो रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जनरली इसको अर्थ पे होता है, जैसे कि अगर एप्पल ऊपर से नीचे गिर गया, ठीक है, पेड़ से, तो ये क्या हो रहा है आपका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, ठीक है, जो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी होती है अपनी तरफ पुल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली जो यूनिवर्स में जो लगता है, सोलर सिस्टम देख रहे होगे, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट के जरिए जनरेट होता है या चार्ज के जरिए जनरेट होता है, बचपन में देखिएगा हम लोग क्या करते थे ना, स्केल को बाल में रब करके छोटे छोटे टीनी बिट्स ऑफ पेपर को क्या करते थे ना, उसमें उठाते थे, देखते थे छोटा छोटा पेपर क्या होता था, चिपक जाता था, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब जो मैग्नेट्स में देखते हैं ना, मैग्नेट को हम लोग भगाते हैं ना, भगाते हैं तो एक को ले जाते हैं तो दूसरा भी भागता है या चिपकता है, तो दैट इज़ नॉन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो वन बाई वन करके सबको हम लोग डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इस पे आपका मस्कुलर फोर्स के बारे में, ठीक है, कि मस्कुलर फोर्स होता क्या है। जैसे मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल देना चाहें तो कुछ भी, अगर हम ये रिक्शा पुलर की ही बात करें, ठीक है, या हम बात करें कि कोई अगर ठेले वाले को देखिएगा जो हाथ से अपना ठेला को क्या करता है, मूव करता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, वो मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल होता है। मतलब कि जब फोर्स लगेगा ना, ठीक है, किसके जरिए, हमारे मसल्स के जरिए अप्लाइड होगा ताकि कोई वर्क हो सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। तो इसका डेफिनेशन आप इस तरीके से लिखोगे, द फोर्स अप्लाइड बाई द मसल्स, कौन से मसल्स, हमारे बॉडी के, ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये जो मसल्स के जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आप ये भी ले सकते हो कि देखिएगा जो गार्डनर जो होता है ना, एक मशीन आता है जिसको वो ग्रास के ऊपर चलाता है तो पूरा वो गार्डन एकदम पूरा बोलता है ना, वो घास जो पूरी तरीके से कट जाता है, ठीक है। तो ये सब जो जनरली होता है किसके जरिए, मस्कुलर फोर्स के जरिए। तो आप ये बोल सकते हो लिफ्टिंग मूविंग अ टेबल, या लिफ्टिंग अ टेबल ऐसे लिख दो एग्जाम्पल में, लिफ्टिंग अ टेबल बाई आवर मसल्स। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया आपका मस्कुलर फोर्स का। सेकंड, इम्पैक्ट फोर्स। ये जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इम्पैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं तो डेफिनेशन उसके बाद बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, और एक क्रिकेट मैच में क्या हो रहा है, एक बॉलर क्या कर रहा है, बॉल को फेंका, ठीक है। बॉलर जब बॉल को फेंकता है तो वो बॉल के वजह वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो अगर बैट से नहीं लगा तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट, अगर विकेट मान लो यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, विकेट लगा हुआ है, तो ये बॉल क्या कर रहा है, इसका फोर्स इन्फ्लुएंस कर रहा है जिसके कारण ये विकेट क्या कर रहा है, ज़मीन से उखड़ जा रहा है, यानी कि अपरूट हो जा रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट का फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जिसके कारण उसको इफेक्ट डाल रहा है, मतलब कि एक का फोर्स लगने से दूसरे को भी क्या कर दे रहा है, उसको भी फोर्स को भी उखाड़ दे रहा है, या उसको भी बोल सकते हैं, उसको भी मोशन में, या बोल सकते हैं किसी चीज़ में ला दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फोर्स, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट का फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगना तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फोर्स, मतलब प्रभाव पड़ने से। अगर बोले ना, अगर हम किसी को एक चाटा मारें तो उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, अगर कोई मेरे एज का रहा तो गुस्सेदार रहा तो हो सकता है हमको वापस दे सकता है, छोटा रहा तो सुन के रह जाएगा, अब बड़ा रहा तो उल्टा हम ही खा जाएंगे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट होता है कि उस जो चाटा अगर लगने से तो इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, इसीलिए होता है ना, सिचुएशन के हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि इम्पैक्ट फोर्स क्या हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर हम स्टेप उठाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हिंदी होता है प्रभाव,
ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपैक्ट फोर्स। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, देखो द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंपैक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट का फोर्स लगने से वो इंपैक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उस तरीके के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपैक्ट फोर्स। तो एग्जांपल में यही दे दो, विकेट जो हो रहा है अपरूटेड हो जा रहा, मतलब जमीन से उखड़ जा रहा, विकेट अपरूटेड बाय द फास्ट मूविंग बॉल, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर हमारा आता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात आती है फ्रिक्शन की, तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये वर्ड हमारे लिए बहुत ही कॉमन है और बहुत बार सुने भी हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या रोल प्ले करता है, ये हमें पता है। तो आज कुछ हम एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आपको पहले एक क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, उसके बाद डेफिनेशन आपको लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉल क्या कर रहा है, ज़मीन पर रोल हो रहा है, रोल मतलब चल रहा है, मतलब रोल मतलब ज़मीन पर होता है ना, वो अगर बच्चे में देखते होंगे, बच्चे में खेलते थे तो बॉल को ज़मीन पर से ढुलाते थे, तो बॉल चल के थोड़ी दूर जाता था, फिर उधर से कोई फेंकता था तो सामने वापस आता था। तो अगर मान लीजिए कोई बॉल रोल करके क्या हो रहा है कि वो घर तक पहुँच रहा है, तो क्या होता है कि अगर वो दिखेगा तो अगर वो बॉल को हम रोल करेंगे तो थोड़े दूर तक जाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आखिर एक बात बताओ, जब बॉल को हम रोल कर दी तो ये रुका क्यों, इसको तो चलते रहना चाहिए था, क्या ऐसा चीज़ है। देखो जब तक उस पर बाहरी रूप से फोर्स नहीं लगेगा तब तो रुकना नहीं चाहिए, तब तो रुकना नहीं चाहिए ना। इसीलिए देखिएगा, हम लोग चलते भी हैं तो जहाँ पे अगर नॉर्मल रोड पे चलते हैं तो वहाँ पे फिसलने का चांस कम रहता है, लेकिन जहाँ पे पानी होती है, या अगर साइकिल का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, साइकिल चलाते हैं ना, तो बालू वाला जगह पे जाओ, जितना मस्त चला रहे थे नॉर्मल रोड पे, क्या बालू वाले में चलेगा क्या, देखिएगा वो स्लिप करता, अगर स्कूटी भी है तो भी स्लिप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि आप देखो, अगर जहाँ पे टाइल्स लगा एकदम मार्बल्स चिकना वाला, जहाँ पे उसमें क्या बोलते हैं, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, कोई कोई टाइल्स आते हैं ना एकदम पूरी तरीके से चिकना होता है, और कोई कोई टाइल्स आता है जिसमें क्या होता है, हल्का हल्का फ्रिक्शन होता है, ताकि मतलब रफ होता है सरफेस उसका, ताकि पैर रखा है तो जल्दी से स्लिप ना करे, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों, क्योंकि जितना सरफेस स्मूथ होगा उस पर फ्रिक्शन कम होगा, अब फ्रिक्शन कम होगा हमको तो वहाँ पे स्टाइल झाड़ना है नहीं कि भाई डाइव मारेंगे, यहाँ से जाएंगे वहाँ तक चले जाएंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हाथ पैर सही सलामत बचेगा नहीं हम लोग का, रीज़न ये है कि स्लिप बार बार होंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। तो हम आप समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि अगर कोई बॉल को रोल कर रहे हैं और अगर थोड़े देर बाद जा करके वो रुक जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है जो कि उसको रोकने का काम कर रहा है। तो वो जो फोर्स लग रहा है ना, बल्कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे ये बॉल इस तरीके से इधर जा रहा है, तो फोर्स उसको इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि उसको अपोज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हो, कौन सा फोर्स बोलते हैं उसको, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम लिख रहे हैं कॉपी पे, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि आप लिख पा रहे हैं अच्छे से, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अभी जैसे मैं एग्जांपल दिए थे कि ये जिस पे थोड़ा राइटिंग कम बैठता है, कि ये स्क्रीन जो स्क्रीन है ना पूरा एकदम स्मूथ है चिकना, जिसकी वजह से इस पे फ्रिक्शन कम लग रहा है और ये स्लिपरी होता है और पेन अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, तो इसलिए क्या होता है, राइटिंग उतना बैठ नहीं पाता है। लेकिन यही कॉपी की बात रहती तो बात अलग होती, समझ में आ रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में ये सब थोड़ा ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है ये, तो इसका क्या रोल प्ले होता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे वो समझो, कि जब कोई फोर्स क्या करेगा, दो सरफेस के बीच में एक्ट करेगा, ठीक है, दो सरफेस जो कि कांटेक्ट में होगा, कांटेक्ट मतलब जैसे कि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो उस बॉल के और ज़मीन के सरफेस के बीच में कांटेक्ट में है, हम लिख रहे हैं कॉपी पे या किसी चीज़ पे, तो वो मेरा हाथ और उस लिख रहे हैं जिस चीज़ पे हाथ सटा हुआ है, ठीक है। या हम बात करें अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो टायर जो है हमारा वो ज़मीन के कांटेक्ट में, तो जब भी ये जो फोर्स लग रहा है ये कांटेक्ट में लग रहा है, कैची में लग रहा है, कांटेक्ट में। तो जब कोई फोर्स क्या करेगा, दो सरफेस के कांटेक्ट में रहने में के बीच में लगेगा और क्या करेगा, वो मोशन को अपोज करेगा, अपोज कहने का मतलब स्लो डाउन करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखो, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, दो सर्फेसेस के कॉन्टैक्ट में होने से, और क्या करेगा, ट्राई करेगा, मतलब टेंडिंग टू अपोज मोशन, टेंडिंग टू अपोज मोशन इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे उसे, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो एग्जांपल में आप क्या दे सकते हो, स्टॉपिंग ऑफ बॉल, ठीक है, स्टॉपिंग ऑफ रोलिंग बॉल। ठीक है, तो आज का सेशन को यहीं पे रोक रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई। इसका तीन चार और रह गया है, तो सब एक ही दो दिन के वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, फिर तो पढ़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। और कुछ हम लोग अभी यहाँ पे जिक्र आया था कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट का, तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपका एक से दो वीडियो में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये आपका PDF आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, आप लोग होमवर्क बना करके सबमिट कर दीजिएगा, हम आयुष सर या अभिषेक सर के फ़ोन से आपको होमवर्क चेक कर देंगे। ठीक है।